गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस गर्मी में शरीर को ठंडा रखने के लिए हम लोग पियेंगे आज कूल कूल कॉफ़ी। आइए देखते हैं ये इजी रेसिपी। हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका, लाइफ विद शौकुड़न प्रियंका की तरफ से। और आज बहुत ही गर्मी है, इस गर्मी के मौसम में हम बनाने जा रहे हैं कूल कॉफ़ी दो तरीके से। एक मैं मशीन की हेल्प से बनाऊंगी और दूसरा मैं बनाऊंगी हाथों से ऑथेंटिक वे में। तो चलिए पहले हम मैनुअली करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 टीस्पून ले लिया है कॉफ़ी, और एक लेंगे ये छोटा छोटा शेसेस है। वाई आर यू क्लिकिंग फोटोज शेसेस यहाँ पे ले रहे हैं। और पीसी हुई चीनी है यहाँ पे, जो कि मैं 2 टेबल स्पून लेने वाली हूँ। तो अभी ये काफ़ी वायरल हो रहा है, तो वायरल है तो इसीलिए मैं भी इसको ट्राई करना चाहूँगी। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पानी ऐड करेंगे। और ये टी स्ट्रेनर के मदद से हम इसको फ्रॉथी बनाएंगे। इसका कलर देखिए चेंज हो रहा है। ये जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे इट विल चेंज कलर, और ये धीरे धीरे बिल्कुल भी क्रीमी सा, फ्रॉथी सा इसका टेक्सचर हो जाएगा। कॉफ़ी है जो फ्रॉथ तैयार हो चुका है, अभी ये हम यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अभी इस छोटे से ग्लास में हम बनाने जा रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी, तो उसके लिए हम ऐड करेंगे आइस। ये है फ्रॉथ, ये देखिए आइस पूरा सा जम गया। ये चिल लिया हुआ था, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, आप लोग समझ रहे हैं। तो ये नॉर्मल हो गया है, थोड़ा सा ठंडा है अभी। ये कंट्री डिलाइट का मिल्क है, थोड़ा सा घना ही है, घना है। तो अभी इसमें हम ऐड करेंगे ये बीटन कॉफी। जितना आपको कड़वा चाहिए होगा आप ऐड करिए, क्योंकि काफ़ी कोई ये बहुत इजी दिख रहा है, क्योंकि हैंडमेड बना के सिर्फ कंट्री डिलाइट दूध में मिला देना है। बहुत ही इजी तरीका आप लोगों के पास पेश होने जा रहा है। थोड़ा सा आप इसके ऊपर दे सकते हैं मलाई। देखिए एक कैसे कोल्ड कॉफी बन गया हैंडमेड तरीके के उपाय से। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी मुझे पसंद है, तो मैंने थोड़ा और मिला लिया। अच्छा लग रहा है, खुद पी के देखो, बाद में पीएंगे। ये एक प्रोसीजर है, और दूसरा प्रोसीजर मैं इसमें बनाने जा रही हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे आइस। ट्रेडिशनल प्रोसीजर ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये बहुत ही इजी तरीका है। ट्रेडिशनल प्रोसेस तो मैंने बनाए हैं अभी। नो इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। बहुत अच्छा नहीं हुआ है, ठीक ठाक हुआ है, ऐसे नहीं बोल सकते कि बोलो ना। मैंने ऐसे कुटता बनाया कि पूरे देखते हो गए। जैसे मैंने हैंड में बेंड किया था उसमें मैंने 2 कॉफी लिए हुए थे, तो अभी ये मैंने मशीन में इसको करना है। तो मैं एक ही कॉफ़ी लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी शायद नहीं पसंद होगा। स्ट्रॉन्ग पियोगे?
ठीक है, दो ही दे देते हैं। और नहीं है तो इसमें चीनी डालना होगा, जो पाउडर शुगर है ये हम डाल देंगे। अभी क्या करना होगा, अभी इसको हम विस्क करेंगे। प्रोसेस है तो आप लोगों को कैसा लगा ये दोनों? नहीं, दोनों प्रोसेस में आपको कौन सा प्रोसेस वाला इजी होगा कमेंट करके बताइए। कर सकते हैं, तो ये एक है और ये एक है। मैं थोड़ा सा ये पी के देखती हूँ। और हवा भी दे रहा है। हाँ, ये ज्यादा अच्छा लगा मुझे। ये थोड़ा सा पतला हो गया, मैंने बहुत ज्यादा इसमें आइस डाल दिया। तो और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप ये दोनों ही बना सकते हैं घर में, बहुत इजी है। बच्चे इनको बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली ये वाला प्रोसेस पसंद करते हैं। इसमें चॉकलेट भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो हमारे इस चैनल में और भी जो रेसिपी हम डालने वाले हैं, उसको देखने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो एग्जिस्टिंग है वो लाइक करें, शेयर करें, और जो नॉन एग्जिस्टिंग है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय। ये देखिए, इसका भी फ्रॉथीनेस आया है। फ्रॉथीनेस गिल गुल गया।